आज हम लोग जो है लॉज पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के डिफरेंट लॉज में जो है हम लोग को टोटल 6 लॉ पढ़ना है। 6 लॉ में सबसे पहला लॉ कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ कौन सा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ हम लोग पढ़ना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर पढ़ना है गे लिसेक्स लॉ और लास्ट पढ़ना है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो अब इसमें जो है सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने के बाद मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। किसी भी मैटर के मास को चेंज नहीं कर सकते, बस उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि टोटल मास जो है मैटर का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। टोटल मास ऑफ द मैटर ड्यूरिंग एनी चेंज रिमेन सेम। कोई भी चेंज के दौरान जो है मैटर का मास हमेशा क्या रहेगा, सेम। कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास होगा वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। मास कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा जो है चेंज आएगा भी तो किस में, स्टेट में, फिजिकल स्टेट में। फिर जैसे देखिए H2 और O2 मिलके H2O बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2H2 प्लस O2 2H2O। यहाँ पे देखिए तो कितना मास कमाइन किया, हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना होगा, 2 ग्राम गुने 2, कितना ग्राम कंबाइन किया, 4। तो ऑक्सीजन का कितना, 1 का 16 होता है तो 2 है तो 32 ग्राम। यहाँ पे एक H2O का 18 ग्राम, तो 2 है तो 18 गुने 2 कितना हो जाएगा, 36 ग्राम, ठीक है। यहाँ भी देखिए तो रिएक्टेंट कितने हैं, 36 ग्राम रिएक्टेंट का मास, और यहाँ भी रिएक्टेंट का मास कितना है, 36 ग्राम। यानी कि टोटल मास रिएक्शन के दौरान क्या रहेगा, कंजर्व, चेंज नहीं होगा, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड बनने के लिए कभी भी एलिमेंट्स जो है कंबाइन होंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। रेशियो सेम होगा, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या देंगे, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनका जो है रेशियो क्या होगा, जब भी कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के दौरान तक कंपाउंड उनका रेशियो क्या होगा, 2:1, क्लियर। 2:1 में कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना है तो किस रेशियो में कंबाइन होगा, 1:2 के रेशियो में, क्लियर। वाटर के बनने के लिए 2:1 का रेशियो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के लिए क्या होगा, 1:2 रेशियो, क्लियर। तो एक कंपाउंड के बनने के लिए हमेशा रेशियो क्या होगा, एलिमेंट्स का सेम होगा, क्लियर, समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसको समझिएगा थोड़ा आराम से। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स जो है सेपरेटली ज्वाइन हो रहा है किसके साथ, तीसरे एलिमेंट के साथ, दो एलिमेंट किसी तीसरे के साथ कंबाइन हो रहे सेपरेटली, ए जो है सी के साथ और बी जो है वो भी सी के साथ, बोल रहा है कि ए जो है सी के फिक्स मास के साथ उतना ही मास के साथ बी भी जो है सी के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ मासेस दे टू शो, ठीक है। कह रहा है कि उनका रेशियो, ठीक है, उनका रेशियो किसके साथ, उस फिक्स मास के साथ, और उनका रेशियो आपस में दोनों का रेशियो क्या होगा, एक फिक्स्ड जो है होल नंबर होगा। देखिए समझते हैं एग्जांपल से, जैसे एग्जांपल से समझने में क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या कहता है, जैसे मान ले रहे हम लोग जो है कार्बन ले रहे हैं, सल्फाइड ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्लियर। अब यहां पे जो है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब भी कंबाइन करेगा, ये देखिए दो एलिमेंट ले लिए, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, इस दोनों पहले लाइन के अनुसार क्या करना है, दोनों एलिमेंट को सेपरेटली तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करना है। ये दोनों एलिमेंट क्या है, कार्बन और सल्फर, इसको जो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कराते हैं, तो पहला एलिमेंट को थर्ड के साथ और दूसरे को भी थर्ड के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा हम लोग का, CO2, और यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, SO2, क्लियर। तो जब ये थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया तो क्या कंपाउंड अलग अलग मिला ना, जब कंपाउंड अलग अलग मिला तो क्या बोला है अगला लाइन, देन द रेशियो ऑफ मासेस दे डू सो। तो कह रहा है कि उनका रेशियो जो ये कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का मास कितना है,
32 ग्राम, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, और सल्फर का मास कितना है ये भी 32 ग्राम। अच्छा, ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा CH2। यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम और सल्फर का कितना है, एक सल्फर का 32 होता है तो दो सल्फर का कितना हो जाएगा मास 64 ग्राम। अब ये धीरे धीरे लाइन से समझेंगे। देखिए क्या बोला, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड, जब दो एलिमेंट जो है अलग अलग एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है 32 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ ये दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, पहला लाइन कंप्लीट। दूसरा लाइन क्या कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ मासेस दे डू सो, कह रहा है कि उनका रेशियो दे डू सो बियर्स ए सिंपल होल नंबर टू द रेशियो ऑफ मासेस दे कंबाइन देमसेल्फ, कह रहा है कि दोनों जो है रेशियो अपने में कितना इसका मास लग रहा है 12 ग्राम, इसका कितना मास लग रहा है 32 ग्राम, ठीक है, और ये आपस में कंबाइन कर रहे थे, इनका मास का रेशियो क्या है 12 और 16, तो कह रहा है कि जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं तो उस समय मास, सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं तो कार्बन सल्फर का मास क्या आ रहा है, सेपरेटली जब कंबाइन कर रहे हैं तो, सेपरेटली जब कंबाइन कर रहे हैं तो उस समय कार्बन सल्फर का मास कितना है, कार्बन का मास 12 ग्राम और सल्फर का मास कितना है 32 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, टू द रेशियो ऑफ मासेस दे कंबाइन देमसेल्फ, जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उस समय मास का रेशियो, तो आपस में कार्बन और सल्फर कंबाइन करेगा तो देखिए तो कार्बन का मास कितना है, जब जो है कंबाइन हो रहा है देमसेल्फ, जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उस समय कार्बन सल्फर का रेशियो क्या होगा, कार्बन का मास 12 ग्राम और सल्फर का मास कितना है 64 ग्राम, कह रहा है दोनों का रेशियो लेंगे तो पहला केस में रेशियो क्या है 12:32, ठीक है, और दूसरा केस में रेशियो क्या है हम लोग का 12:64, ठीक है, जब काटेंगे तो यहां पे हम लोग का क्या आ जाएगा 2:1। ये समझ में आया, क्या बोला फिर से समझते हैं, बोला है कि जब जो है दो एलिमेंट जो है कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, फिक्स मास है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो इस दोनों कंपाउंड में जो इनका मास होगा, मास कितना कितना है 12 ग्राम और 32 ग्राम, इसका रेशियो और जो सेपरेट अलग से जो है आपस में कंबाइन कर रहे उस समय मास जो होगा, इसका रेशियो दोनों का, इस रेशियो का और इस रेशियो का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये कौन बोला है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर समझ में आया, हम लोग का तीन लॉ हुआ, अब आगे भी हम लोग तीन लॉ पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आगे में, जैसे अगला लॉ पढ़ना है हम लोग को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर विल बियर अ सिंपल रेशियो,
देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट का अगर मास हम लोग फिक्स ले ले रहे हैं जो कि कंबाइन हो रहा है डिफरेंट मास वाले अदर एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो जो डिफरेंट मास वाला अदर एलिमेंट होगा उसका मास का रेशियो दूसरे कंपाउंड में, अलग अलग कंपाउंड में क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। देखिए जैसे देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जो है H2O भी बनाएगा और H2O2 भी बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2 और H2O2 बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है 16 ग्राम, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स तो दो ही हैं लेकिन कंपाउंड कितने हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड हुए तो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन इट फिक्स मास ऑफ अनदर, तो फिक्स मास किसका है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, तो किसका रेशियो हम लोग लेंगे, जिसका फिक्स नहीं है, तो इसका इस एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, तो क्या बोला कि जिस एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है वो कंबाइन हो रहा है जो फिक्स मास वाले के साथ, इसका रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और यहाँ पे कितना है 32, रेशियो क्या आएगा 1/2, क्लियर, ठीक है, तो ये जो है हम लोग का क्या हुआ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या क्या कंपाउंड दे सकता है, एक तो CO दे सकता है, दूसरा क्या CO2, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है 12 ग्राम कार्बन का और ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम, तो ये तो मास फिक्स हुआ ना, तो जिसका मास फिक्स नहीं है इसका रेशियो क्या आ गया 1:2, मतलब रेशियो क्या आने वाला है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आने वाला है, ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और जो है एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाएगा NO2 N2O3 N और O मिलके NO बना सकता है। यहां पे देखिए तो नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है 28 और ऑक्सीजन का कितना है 48, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है 14 और ऑक्सीजन का 16। और एक एग्जांपल ले लीजिए N और O मिलके एक और N2O5, यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन की कितना है 16 × 5 18 सॉरी नाइट्रोजन का 28 नाइट्रोजन का, क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, किसी एक के मास को फिक्स कर देंगे और बाकी के जो है दूसरा एलिमेंट जो है उसका मास का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए जैसे इसका 28 ग्राम नाइट्रोजन का लेके चल रहे हैं, नाइट्रोजन का 28 ग्राम तो ऑक्सीजन का कितना है जी, यहीं पे लेके चलते हैं यहाँ पे सिंपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लेके चलते हैं। देखिए पहले केस में नाइट्रोजन का मास कितना है 28 और ऑक्सीजन का कितना है 80, दूसरे केस में देखिए तो N और O मिलके NO2 बना रहे, तो नाइट्रोजन तो 14 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है 32। हम लोग को क्या करना है, किसी एक के मास को लेके चलना है फिक्स, तो हम लोग नाइट्रोजन का मास लेके चलते हैं फिक्स,
पहले केस में 28 थे तो इसको भी 28 करते हैं, 14 है तो ये 32 है, तो ये 28 होगा तो कितना होगा 64। दूसरे केस में 28 करेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 64। थर्ड केस में देखिए नाइट्रोजन का 28 है लेकिन ऑक्सीजन का कितना है 48। फोर्थ केस में देखिए तो नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो इसको 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो देखिए तो ये तो मार्क्स नाइट्रोजन का क्या हो गया फिक्स हो गया, डिफरेंट मास वाला ये हो गया। अब इसका रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, सबको जो है किससे काट सकते हैं 16 से, 16 से काटेंगे तो रेशियो क्या आएगा 16 5 80, 16 4 64, 16 3 48, 16 2 32, यानी कि रेशियो क्या हो गया 5:4:3:2। ठीक है, तो जब भी जो है दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें, एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो उस कंपाउंड में जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट होगा जो कि फिक्स मास वाले के साथ कंबाइन हुआ है उसका रेशियो क्या होगा आपस में मास में, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्लियर, ये क्या था हम लोग का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर, इसके बाद अगला लॉ है हम लोग का पांचवा लॉ, एवोगैड्रो लॉ। पांच वाला क्या है, लॉ ऑफ एवोगैड्रो या एवोगैड्रो लॉ। पांच वाला लॉ है हम लोग का एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, कहता है एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि अगर हम लोग जो है टेम्परेचर प्रेशर ये कांस्टेंट रखें, तो चाहे कोई भी गैस रखेंगे, चाहे कोई भी गैस लेंगे, अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो उसमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सेम। वही बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग जो है 1 लीटर वाले वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस को लेके चले, इसी तरह 1 लीटर वाले वॉल्यूम में ऑक्सीजन वाले को लेके चले, तो देखिए तो वॉल्यूम का रेशियो 1:1 लीटर लेंगे तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल का संख्या हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का संख्या x होगा और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का संख्या भी क्या आ जाएगा x। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो चाहे कोई भी गैस कंटेनर के अंदर रखेंगे मॉलिक्यूल्स का संख्या क्या आने वाला है सेम। ये कौन कहता है, एवोगैड्रो लॉ। क्लियर, अब हम लोग सबसे लास्ट लॉ है वो है गे-लुसेक्स लॉ। कौन सा लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। अब गे-लुसेक्स लॉ क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है, एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 मोल और इसका मॉलिक्यूल 1 मोल बना। यानी कि यहाँ पे जो देखिए ये जो है गे-लुसेक्स लॉ किसके रिस्पेक्ट में बात करता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये कहता है कि जब जो है एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ तो उस प्रोडक्ट का रेशियो रिएक्टेंट के साथ क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रेशियो क्या आएगा, तीनों का एक साथ रेशियो जब लेंगे तो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो है होल नंबर रेशियो कैसे, यहाँ पे रिएक्टेंट 1, वॉल्यूम अगर इसका ले ले 1B, तो इसका भी क्या आएगा 1B और इसका भी 1B। इसका अगर 1 ml लेके चलेंगे कार्बन का तो O2 मॉलिक्यूल का कितना ml मिलेगा वॉल्यूम 1 ml और CO2 मॉलिक्यूल का कितना 1 ml। जब कार्बन का 1 ml जो है ऑक्सीजन के 1 ml के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो जो है प्रोडक्ट देगा वो किस कितने का, 1 ml का। यानी कि यहाँ पे तीनों का रेशियो कार्बन O2 और CO2 का रेशियो क्या आ गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1:1:1।
जैसे देखिए H2 और O2 मिलके क्या देता है H2O, H2 और O2 मिलके क्या देता है H2O, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2 प्लस O2 क्या मिल गया 2H2O। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रेशियो जब लेके चलेंगे, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम 20 ml लेके चलेंगे तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, ये 2 है तो ये 1 है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा 10 ml, तो ऑटोमेटिक इसका डिसाइड कर सकते हैं, ये भी कितना है 2 है, तो 2 है तो कितना होगा 20 ml। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया 2:1:2, जो कि ये क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो है। ये हम लोग का लॉज जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, हम लोग टोटल कौन कौन सा लॉ दिए आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, टोटल कौन कौन सा लॉ पढ़े हैं लोग 6 लॉ, कौन कौन सा, सबसे पहला लॉ पढ़े हम लोग क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ कौन सा पढ़े हैं लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद दूसरा लॉ कौन सा पढ़े हैं, दूसरा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ कौन सा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चौथा लॉ कौन सा पढ़े लॉ ऑफ जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, पांचवा लॉ कौन सा पढ़े हम लोग, एक गे लुसेक लॉ पढ़े और एक कौन सा एवोगाड्रो लॉ, टोटल 6 लॉ जो हम लोग पढ़े। ठीक है, इस 6 लॉज में देखिए कि एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन होगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन होगी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और उसके पीछे कौन कौन सा जो लॉज दिया गया है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के पीछे ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो टोटल कितने लॉ हम लोग देखे, टोटल 6 लॉज। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, आगे जो है अगले दिन हम लोग जो है दूसरा जो है टॉपिक डील करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का नोटेशन, ठीक है, और साथ में राउंड ऑफ वगैरह। ठीक है, और समय बचेगा तो डाल्टन्स लॉ। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।